नमस्कार। वेस्टी वेस्टी के उस पार की श्रृंखला में आप सभी का ढेर सारा स्वागत। और आप सभी को पता है संडे हम लोग मिलते हैं किसी एक के गार्डन से, और आज जिस गार्डन से आप मिलेंगे इसका पहला भाग तो आप पहले ही देख चुके हैं, और इतना ज़्यादा क्रिएटिव कि इनके लिए मैंने एक लाइन गुनगुनाई थी, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा रही। शायद आप में से बहुत सारे लोग याद कर पाए किसकी बात कर रही मैं, अपनी सुमन बहन की, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी क्रिएटिविटी भर रखी थी अपने गार्डन में कि सच में दिल नहीं भर रहा था। और देखिए अभी उन्होंने एक दूसरा वीडियो बना के भेजा है ये कह के कि शायद इस वीडियो से मेरा दिल भर जाए। देखते मेरा तो अभी तक नहीं भरा, हो सकता है आप लोगों का भर जाए। और हाँ, आप सभी लोग सुमन जी की क्रिएटिविटी में खो जाएं, सुमन जी के गार्डन को देखते देखते मग्न हो जाएं। इससे पहले जरूरी बात आपको बतानी है, और जरूरी बात यह है ना कि अगले संडे आप सभी को आमंत्रित कर रही हूँ, आइएगा जरूर, क्योंकि कुछ खास होने वाला है। अब जब खास होगा तो आप सभी को इन्विटेशन देना तो बनता है ना, तो आइएगा, अपने साथ साथ बाकी सभी को भी लेके आइएगा। और अगर वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो अगले संडे आपको कैसे आना है शायद आप सभी को पता है, कैसे आना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, और ये जो ऊपर आप ऑल का बटन देख रहे हैं इसको आपको जरूर पुश करना है जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और संडे को जो कुछ मैं खास आपको दिखाने वाली हूँ तो आप देख सकें। चलिए अब दीदार करते हैं सुमन जी की क्रिएटिविटी का। चलिए अब यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं सुमन जी के गार्डन में। न जाने कितनी बोतलों का खूबसूरती के साथ इस्तेमाल है ना, इनमें से बहुत कुछ आप पहले वाले भाग में भी देख चुके होंगे, पर इस बार बहुत कुछ नया है आप सभी के लिए। उनकी कुछ सखियाँ आई थी और उन्हीं को सुमन जी अपने गार्डन का दीदार करा रही थी, साथ ही साथ देखिए मुझे भी वीडियो भेज दिया है तो मुझे भी उनके गार्डन के घर बैठे ही दीदार हो गए। देखिए यहाँ पर सुमन जी कुछ व्यस्त हैं अपनी सखियों के साथ, और ये जो कुछ आप बोतलों पे कलाकारी देख रहे हैं ये सब कुछ इस बार मैंने देखा, पिछले वीडियो में नहीं था। क्या कहूँ इनकी कला को, सच में दिल करता है किसी दिन जाऊँ और सब कुछ समेट के अपने साथ लेके आ जाऊँ। और यहाँ पर देखिए इस पोल पे ना जाने कितने इमोशंस को टांग दिया सुमन जी ने, यानी कि ढेर सारे इमोजी प्लांटर्स बनाए और इस पोल को बना दिया बेहद खूबसूरत। ये शायद सुमन जी का गैराज वाला पोर्शन है, और गैराज वाले पोर्शन को भी इन्होंने इतना खूबसूरत बना दिया कि ना जाने कितनी प्लास्टिक की बोतलों का समावेश। अगर इनके गार्डन को मैं प्लास्टिक गार्डन बोलूँ ना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक ना जाने कितने सुंदर ढंग से इन बोतलों को सजाया हुआ है। देखिए पूरी वॉल को भी भर दिया है अपने ढेर सारे इमोशंस के साथ, और ये जो पूरी की पूरी इनकी बाउंड्री है तो शायद इन्होंने आसपास पूरा ग्रीन नेट से कवर करके रखा हुआ है, और उसी ग्रीन नेट पे अपनी ढेर सारी कलाकारी को टांगा हुआ है। अब इसी को तो कहते हैं खूबसूरत तरीके से अपनी बोतलों का इस्तेमाल, अपने गार्डन को भी सजाया, अपने पर्यावरण को भी बचाया, और ढेर सारी अपनी कलाकारी का दीदार करवाया। बगल में आप पेंट ब्रश सब कुछ देख सकते हैं सबूत के तौर पर कि इनको पेंटिंग का कितना शौक है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि आप ढेर सारी प्लास्टिक को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ फ्री में अपने गार्डन को भी सजा रहे हैं। और जो सबसे अच्छी और सबसे बेहद ज़रूरी बात है कि आप अपने पर्यावरण को बचा रहे हैं। देखिए जहाँ आप देखेंगे वहीं पर रंग बिरंगी बोतलें टंगी पाएंगे, पर हाँ बोतलों के इतना मनमोहक इन्होंने बनाए हुआ है कि बस जी करता है कि सारी अपने पास हो जाएं। और अब एक बेहद खूबसूरत नज़ारा जो मेरे दिल को सच में इतना छू गया कि लगता है ये तो मैं जाके ले ही आऊँ। ये देखिए अब इस तरह के अगर आप अपने किसी भी पौधे में फूल खिलाएंगे ना तो आप जंगल में भी फूल खिला सकते हैं, यहाँ तक कि आप रेगिस्तान में फूल खिला सकते हैं, क्योंकि आइडिया ही इतना खूबसूरत निकाला है सुमन जी ने। इधर भी देखिए रंग बिरंगी बोतलें
यानी कि कुल मिला के सब कुछ रंग बिरंगा खूबसूरत सा, और वो भी अपनी घर की ही बेकार पड़ी बोतलों से। भाई इससे ज़्यादा प्लास्टिक बचाने का जज्बा किसके पास होगा। और सबसे अच्छी बात, हर मौसम में हमारे पास फूलों नामुमकिन है। कभी किसी मौसम में तो रूखा सूखा मौसम भी आता है, पतझड़ आता है, कभी हमारे पौधों में फूल होते हैं, कभी नहीं होते। पर यहाँ देखिए, इन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा है कि हर जगह रंग बिरंगे, जिस रंग के आप फूल चाहें उस रंग के फूल आप खिला सकते हैं अपने गार्डन में। और मैं किसकी बात कर रही हूँ शायद आप समझ सकते हैं। ये देखिए, प्लास्टिक की पुरानी बोतलों से रंग बिरंगे फूल बनाए गए, कभी पीले, कभी नीले, कभी गुलाबी, कभी लाल। सबसे पहले जब मुझे नज़र पड़ी तो मुझे तो भ्रम हो गया कि ये गुड़हल के फूल हैं। जब गौर से देखा तो पता चला नहीं, ये तो लाल रंग की प्लास्टिक से गुड़हल के फूल बनाए गए और पूरे पौधे को सजा दिया गया। भाई इतना नायाब तरीका तो ना तो मैंने कभी सोचा था और ना ही कभी देखा था। यहाँ पर देखिए भाई, जूते भी सज गए पौधों से, और ऊपर ये अपने सदाबहार पीले रंग के फूल जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो अब आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, पर सच में बहुत सारे आइडियाज। ये देखिए, नारियल का एक खूबसूरत सा अंदाज, हरे वाले नारियल। अब भाई इससे ज़्यादा अच्छा सदुपयोग क्या हो सकता है। और यहाँ पर देखिए एक और अद्भुत नज़ारा, फ्रूट्स अक्सर आप लोग जो खरीदते होंगे तो उनके ऊपर एक फोम का कवर चढ़ा होता है, और वही फोम इन्होंने इस पौधे के आसपास टांग दिए, है ना। बेहद अनोखा अंदाज और बेहद खूबसूरत भी। तो सब कुछ मुझे तो भाई बहुत सारे आइडियाज़ मिले, और इतने खूबसूरत मिले और इतने अनोखे मिले कि जिनके बारे में सच में मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और ये जो इनका आर्टिफिशियल तरीके से पौधों में फूल खिलाना, जो हमारे हर समय साथ देंगे गर्मी सर्दी बरसात किसी भी मौसम में, बिल्कुल अपने आप में अनोखा। तो सच में बहुत स्लो मोशन में दिखा रही हूँ आप सभी को वीडियो को, मैंने एक भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, क्योंकि मुझे भी एक एक चीज़ पे इतना मज़ा आ रहा है कि मुझे लगता है कि आपको भी आ रहा होगा। तो स्लो मोशन में ही दिखाती हूँ जिससे कि एक एक आइडिया आपके काम आए। यहाँ पर देखिए, वही फोम अपने फ्रूट्स से निकला हुआ वाइट कलर का। तो कुल मिला के जितना भी प्लास्टिक है सब का सब सुमन जी ने भर दिया अपने गार्डन में, और मैं सोच रही हूँ कि काश इनकी सहेलियों के साथ मैं भी इनके गार्डन में होती ना, तो थोड़ा पास से देखती, थोड़ा छू के देखती, तो थोड़ा सा दिल और भर जाता। और अब शायद वो चलते चलते आ गई हैं अपनी बाउंड्री के अंदर। तो यहाँ पर भी बहुत सारी बोतलों का इस्तेमाल, और जैसे कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े करीने के साथ। तो बस सब कुछ तो मैंने दिखा दिया, और क्या बताऊँ, इनकी प्रशंसा के लिए मेरे पास भी शब्द ही नहीं बचे हैं। हर एक कोना सच में कुछ कहता है, हर एक कोना कोई ना कोई अपनी छाप छोड़ ही जाता है। और इधर देखिए, एक ये पीले रंग में नव विवाहित जोड़ा बनाया हुआ इन्होंने, बेहद खूबसूरत। और इधर भी सब कुछ अपने आप में कुछ कहता हुआ है। थोड़ा वीडियो दूर से लिया गया शायद, तो उतना क्लियर नहीं हो रहा है, पर हाँ ये तो क्लियर हो रहा है कि सब कुछ बड़ी क्रिएटिविटी के साथ सजाया गया है, जो कि सुमन जी की खासियत है, है ना। तो चलिए भाई, इनको एंजॉय करने देते हैं इनकी सखियों के साथ, और हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, किसी और के गार्डन का इंतज़ार करने के लिए आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। तो ये थी अपनी सुमन बहन की ढेर सारी क्रिएटिविटी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ साथ आप सभी लोगों ने बेहद पसंद करी होगी, और जो कुछ भी क्रिएटिविटी आपको पसंद आए उसको अपनाइए ज़रूर, उसको करके देखिए। और हाँ, जो और भी भाई बहन इच्छुक हैं इस तरह की भागीदारी में, वो लोग अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं। कैसे करना है सब कुछ मैंने पहले ही बताया हुआ है। एक वीडियो शेयर किया था, गूगल ड्राइव के द्वारा भेज सकते हैं, टेलीग्राम के द्वारा भेज सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम के द्वारा भेज सकते हैं।
जल्दी हाजिर होती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।